हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको छेने के मिनी रसगुल्ले की खीर। इसको रस खीर भी कहते हैं और इसको वो क्षीर सागर भी कहते हैं, और ये इंदौर में इंद्राणी के नाम से भी बहुत फेमस है। और मैं आपको इसी में लंबे आकार की चमचम की रेसिपी भी दिखाऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी टेस्टी टेस्टी और यमी यमी ये दिखने वाली मिठाइयाँ। यह है मैंने पूरा 1 लीटर गाय का दूध, और इसको हम उबाल आने देंगे। और उबाल आने से पहले जो दूध पे पतली पतली मलाई जमती है ना, वो इस पे ना जमने पाए, इसके लिए आप बार बार इसको थोड़ा सा बीच में चला दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा दूध बॉयल पे आ गया है। बस हम इसको की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इससे छेना बनाएंगे। इस कप में ले लिया है हमने 5 से 6 चम्मच विनेगर। विनेगर या नींबू का रस भी ले सकते हैं, और उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें पानी मिला लें। और अब हम इसको धीरे धीरे विनेगर को इसमें डालते जाएंगे और इसको इसका एक सॉफ्ट छेना बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ऐड करते जाइए धीमे धीमे। इसको इसके जो ये पानी है ना, इसको हमें एकदम से नहीं डालना है। एकदम से डाल देंगे ना तो हमारा ये सॉफ्ट छेना बनके तैयार नहीं होगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल से छेना अलग अलग हो गया है। अब बस हम इसको छान करके अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है एक ये कपड़ा। अब हम इसमें अपना ये छेना पूरा कोट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा छेना अलग हो गया है। हम इसको ठंडे पानी से इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि हमारा छेना जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और इसमें जो विनेगर का खट्टापन है वो भी निकल जाएगा। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू से भी इसको फाड़ सकते हैं। बस 2 से 3 बार आप इसको पानी से अच्छे से वॉश कीजिएगा ताकि इसमें जो भी फ्लेवर रहेगा ना खट्टेपन का, वो निकल जाएगा। तो बस अब हम इसको छेने को इसका पूरा पानी निचुड़ जाने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए एक किसी भी भारी चीज़ से दबा करके छोड़ देंगे, और 3 से 4 घंटे बाद हम इसके अपने छेना के मिनी रसगुल्ले बनाएंगे। देखिए ये हमारे पूरे 1.5 लीटर दूध का छेना है। 0.5 लीटर दूध मैंने और फाड़ लिया था। ये हमारा कितना सॉफ्ट छेना बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे अपनी हथेली, जो ये हमारा हथेली होती है ना, इसकी सहायता से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैश करेंगे। तो हम इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए इसमें, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये ज़्यादा ड्राई लगे ना तो आप इसमें 1 बूंद पानी ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। हम हथेली से इस तरह से करते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा कलर देना चाहती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के करीब, और थोड़ा सा ये मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप पानी की इस तरह से ऐड कर दूंगी। बस केवल 1 से 2 बूंद ही करेंगे हम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम छेने की खीर बनाने जा रहे हैं, मिनी रसगुल्ले की खीर। इसको कई जगह क्षीर सागर भी बोलते हैं, और बहुत मतलब अलग अलग जगह इसके कई तरह के, ये इंदौर में इंद्राणी के नाम से भी फेमस है। तो हम ये वही बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो येलो कलर डाला है ना, येलो कलर से थोड़ी सी ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। मैश करते करते मुझे पूरे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका एक बॉल बना के देखेंगे। तो मैं आपको ये केवल बॉल बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारी बॉल बिल्कुल से चिकनी बननी चाहिए, इसमें कहीं भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगे कि इसमें क्रैक्स हैं तो आप इसको थोड़ा सा और मैश कीजिएगा हथेलियों की सहायता से, क्योंकि ये नहीं तो जब हम पानी में बॉईल कर इसको डालेंगे ना चाशनी में तो इनके फटने का डर रहेगा, इसलिए बिल्कुल से चिकनी बॉल बननी चाहिए। मैंने ले लिया है ये पूरा 2 कप चीनी ले ली है मैंने। अब हम इसमें कम से कम 5 कप पानी ऐड करेंगे। तो आप किसी भी एक कप से मेजरमेंट करके ये प्रोसेस करें। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। देखिए हमारी सारी बॉल्स बन करके तैयार हो गई हैं। अभी हम देखिए हमारे शुगर सिरप में भी बॉयल आ गया है। हम एक एक करके ये सारी बॉल्स अपनी धीमे धीमे, इसका टेम्परेचर आप डाउन मत होने दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर सारी बॉल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने धीरे धीरे करके इसमें सारी बॉल्स इकट्ठी पूरी डाल दी है। अब हम इनको 2 मिनट तक ऐसे ही खुले में पकाएंगे।
आप घड़ी से देख कर ये समय पकाइएगा। इसको देखिए, ये हमारे बॉल्स को पकते पकते 2 मिनट हो गए हैं और देखिए ये साइज में अपने साइज से पूरी डबल से भी बड़ी हो गई है। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। अब 5-5 मिनट करके हमको इसको पूरा 20 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम 5 मिनट बाद इसकी लिड निकाल करके चेक करेंगे। देखिए इन रसगुल्लों को पकते पकते करीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से आप चम्मच से हल्के हल्के से ऊपर से चला दें। आपको एकदम से इन्हें ज्यादा इधर उधर प्रेस नहीं करना है क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो इनका टूटने का डर रहेगा। अगर चम्मच लग जाएगी तो वहीं से ये क्रैक हो जाएंगे। लिड लगा के अब हम 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इनको 7 मिनट मैंने और पका लिया है तो इनको पकते पकते पूरे 17 मिनट हो गए हैं। देखिए ये अपनी सतह से काफी पहले ये ऊपर तैर रहे थे, अब ये जो चाशनी है ना इसके नीचे पहुंच गए, मतलब ये कुछ कुछ पक गए हैं। अब बस हम इसको इनको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे। मैंने ले लिया इस तरह का कांच का बाउल और इसमें ले लिया है मैंने, ये फ्रिज में रख दिया था ये पानी, एकदम से चिल्ड वाटर है। रसगुल्लों को पकते पकते पूरे 20 मिनट हो गए हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके निकालेंगे। तो अभी हम इसकी फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, चम्मच से धीमे धीमे से, क्योंकि ये हमारी जो छेना बॉल्स है ना अभी बहुत सॉफ्ट है तो इसका इस तरह से धीमे धीमे से रस निचोड़ निचोड़ कर इनको एक एक करके निकालते जाना है और इस ठंडे पानी में हमको ऐड करते जाना है। तो देखिए मैंने सारे अपने मिनी रसगुल्ले इसमें निकाल लिए हैं। अब हम कम से कम इन्हें 1 से 1.5 घंटे तक इसी ठंडे पानी में रहने देंगे, उसके बाद निकाल कर हम इनको रबड़ी में पोर करेंगे। मिक्सचर था ना वो बचा लिया था, तो देखिए मैंने ये बचे हुए मिक्सचर के इस तरह से लंबे लंबे पीसेस बना करके तैयार कर लिए हैं। अब ये भी हम अपनी चाशनी में डाल देंगे, इस तरह से थाली में रख करके आप इनको बिल्कुल से चिकना कर लें। तो देखिए उसी बची हुई चाशनी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब इसी में हम अपने ये रसगुल्ले एक एक कर छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे इसमें। चाशनी में मैंने पूरी डाल दी है, अब हम वही सेम प्रोसेस से इन्हें भी अच्छे से चाशनी में 20 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको इनको दिखाऊंगी। इनको पकते पकते पूरे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको 5 मिनट तक लिड लगा के पकाएंगे। फ्लेम को हमें पूरा फुल रखना है और इसको भी हम सेम 5-5 मिनट करके चेक करते रहेंगे और पूरे 20 मिनट तक पका लेंगे। मैं ये आपको इस तरह के झाग दिख रहे हैं ना, ये पूरे टाइम इसी तरह के बनते रहने चाहिए। अगर आप फ्लेम को कम रखेंगे तो जो इनका साइज है ना वो बढ़ेगा नहीं, फिर वो स्पॉन्जी भी नहीं बनेंगे, इसलिए आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। देखिए इनको पकते पकते हमारे पूरे 17 से 18 मिनट हो गए हैं, बस 2 मिनट और पकाएंगे हम इनको। देखिए साइज में कितने बड़े हो गए, ये भी हमारे चमचम तैयार हो गए हैं। देखिए मैं इनको ठंडे पानी में नहीं निकाल रही हूँ, मैं इनको ऐसे ही रखूंगी, इसे 6 घंटे इसी तरह से चाशनी में रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाऊंगी। ये हमारा 1 लीटर के करीब दूध है, इसको हम अपने जो छेना के हमने छोटे छोटे से रसगुल्ले बनाए थे उनके लिए मैं अब रबड़ी बनाने जा रही हूँ, तो हम इसको पकाते पकाते आधा कर लेंगे। देखिए हमारे दूध में बॉयल आ गया है और अब हम इसको पकने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसके ऊपर एक मोटी मलाई की परत बन जाएगी ना तो हम हल्का सा इसको चला देंगे और इसको आराम से लच्छेदार रबड़ी अपने आप ही बनने देंगे, बार बार चलाएंगे नहीं। और थोड़ा सा दूध हम कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और फिर ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इस रबड़ी को पकते पकते हमारे पूरे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये काफी हद तक देखिए इसमें अच्छे से मलाई के लच्छे बन गए हैं, ये देख रहे हैं ना आप, देखिए इसमें कितने अच्छे मलाई के लच्छे दिख रहे हैं। अब बस हम इसी टाइम पर इसमें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शुगर थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 4 चम्मच के करीब फुल भर करके चीनी डाल रही हूँ इसमें। 10 से 15 मिनट और पकाएंगे क्योंकि ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और 1 चम्मच के करीब ये इलायची पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप अपनी रबड़ी में वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने जो केसर में ये धागे डाल के रखे थे ना, इन्होंने भी कलर छोड़ दिया है अपना, ये भी हम इसमें
ऐड कर देंगे। देखिए ये रबड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। बस अब हम छेना के जो हमने अपने छोटे छोटे से रसगुल्ले बनाए थे ना, इसका हम रस इस तरह से निचोड़ते जाएंगे जो ये रस में पड़ी है, और हम इसको अपने ये जो रबड़ी बनाई है ना उसमें मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से आप निचोड़ते जाइए और इसमें ऐड करते जाएं। देखिए मैंने ये सारी बॉल्स इसमें ऐड कर दी है और हम इसको अब बस फ्लेम को बंद कर दें। इसको 3 से 4 घंटे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। आप चाहे तो इसमें इसको फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं और चाहे तो गर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारी छेने की खीर या इंद्राणी बोल सकते हैं आपको, या क्षीर सागर जो भी आप इसको कहना चाहें, ये बिल्कुल से ठंडा हो गया है। हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन है मेरे पास, मैं इसको इससे अच्छे से इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी। और इसी के मैंने जो रसगुल्ले बनाए थे ना, कुछ रसगुल्ले मैंने ऐसे ही बचा लिए थे और उनको गाढ़ी चाशनी में डाल दिया था, तो वो भी मैं एक प्लेट में इस तरह से मैंने सर्व कर लिया है उसको भी। और जो हमने चमचम बनाई थी ना अपनी लंबी लंबी, वो भी हम इसको इसी प्लेट में अच्छे से सर्व कर लेंगे। और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी चमकदार बन करके तैयार हुई है। और ये देखिए कितनी जूसी है, अगर हम इसको निचोड़ते हैं ना तो इसका रस देखिए कितने अच्छे से पिया हुआ है इसने। और इनको भी हम ड्राई फ्रूट्स से हल्का हल्का सा काजू और पिस्ते की कतरन से सजा लेंगे और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से भी मैं इनको डेकोरेट कर दूंगी। आपको बफेलो मिल्क से भी छेना के रसगुल्ले बना के दिखा चुकी हूँ। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप उस तरीके से भी रसगुल्ले बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के वीडियो डाल सकूं। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।